जाते हैं, वो पिक्चर के हीरो को देखते हैं, कपटिया में आते हैं, बाइक पर बैठता है, जो स्टाइल उसकी है वो यहाँ स्टाइल करता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी आपने देखा होगा आजकल हमारे जवानों के बालों की स्टाइल आपने देखी कि नहीं देखी? हाँ, ये इस तरफ बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब भाई, पीछे भी बाल नहीं, वो जकात का मुस्तहिक, और वो औरतों के अंबोड़े की तरह बाल बनाया और घूमे। और फिर क्या करेगा मालूम, थोड़ी थोड़ी देर में होता कपटिया में ऐसा होता ये कौन से तरीके के बाल है भाई? अरे आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आजकल वो हमारे जवान जींस पहनते, जींस जींस समझते हो ना, पहनो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन वो जींस फटी हुई पहनते हैं। यहाँ कपटिया में देखा आपने, वो जींस पहने का यहाँ से फटी होगी, यहाँ से फटी होगी। मुझे इतना ज्यादा नहीं मालूम था, मैं तो रात को 2 बजे बयान करके अपने घर की तरफ आ रहा था, मैंने हमारे एक बहुत बड़े दोस्त से उनके बेटे को देखा जींस पहना हुआ, यहाँ फटी यहाँ फटी। मैंने कहा ए भाई इधर आ, कब से भिखारी बना? मैंने कहा तेरा बाप करोड़ों पति, तू इतना भिखारी की तरह? तो कहा कारी साहब वो अभी वहां तो गुजराती चलती है, मैंने मुझे कहता है हूँ थे गयो, समझे आप लोग? यानी क्या हो गया, तुम्हें क्यों मैंने भिखारी कहो छो, यानी आप मेरे को भिखारी क्यों बोलते हो? मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ और मेरी BMW बाहर खड़ी हुई है। मैंने कहा बेटा मैं इसलिए भिखारी कहता हूँ कि तेरे को शायद मालूम नहीं तेरी जींस फटी हुई है। तो यूँ देखा, कहा कारी साहब आज एक बाजार में थी 2000 रुपया नहीं खरीदी, यानी 2000 रुपए की आज ही तो खरीद के लाया हूँ। तो मैंने कहा वो दुकानदार ने तुझे उल्लू बनाया, फटी हुई जींस दिया। अब सुनना कपटिया वालों को, नाराज मत होना, उसने जो जवाब दिया है ना कारी साहब आपको नहीं मालूम, आप लोग क्या बयान करते हो आ जाते हो, बयान करते हो आ जाते हो, जुमा पढ़ाया खुतबा पढ़ाया आ गए। कहा एक पिक्चर आई, फिर उसने नाम लिया, मैं भूल गया, कोई हीरो का नाम लिया। कहा उसने जो डांस किया है और उसने जो जींस पहना है वो दोनों तरफ से फटी हुई थी, उसकी कॉपी करते हुए हमारे जवान डांस भी करते हैं और उनकी जींस भी फटी हुई होती है। मैंने कहा अच्छा वो हीरो ने फटी हुई पहना तो तुम सब जवानों ने भी? मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना, नहीं समझे? मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, वरना मालूम नहीं कहाँ कहाँ दुकानें खुली होती। क्या आलम है भाई मेरे दोस्तों, एक एक्टिंग कर रहा है, पर्दे के ऊपर ढोंग कर रहा है। अरे आप कोई भी थिएटर में जाओ अल्लाह की कसम ढोंग है, अल्लाह की कसम झूठ है। आप बॉलीवुड में जाओ हॉलीवुड में जाओ अल्लाह की कसम ये शैतान है, ये नफ्स का धोखा है, ये हमें बेवकूफ बनाने का काम है। अरे करने वाला बेवकूफ उससे ज्यादा देखने वाला बेवकूफ। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा? जो मैं पढ़ूंगा आपको भी पढ़ना है, चलो पढ़ना शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। कोई कर सकता है ऐसा हीरो? सब जीरो बन जाए, ये सिर्फ हमारे नबी की शान है, इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। चलो इससे बड़ी बात बताओ, लेकिन पूरा मजमा साफ नहीं दे रहा, एक मरतबा फिर कह दो नारे तकबीर, आवाज नहीं आ रही है, बोलो नारे तकबीर। मेरे साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो पूरा मजमा हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात के सन्नाटे में यूं उंगली मुबारक से इशारा करे, रात के सन्नाटे में उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा इशारा करे, जहां सूरज डूब गया है वहां नबी ने पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा खड़े, फरमाते हमने अपनी आंखों से देखा रात के सन्नाटे में हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अल्लाह नारा तकबीर, नारा तकबीर। अब साथ में बोलो भाई मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी का मर्तबा बताओ अशरफुल मौना, और हमारे प्यारे बेटे दिल खुश हो जाएगा। एक सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, बोलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। दाई तरफ हजरत अबू बकर, सुभान अल्लाह, बाई तरफ हजरत उमर,
सच बताओ ये काफले से बढ़कर कौन सा काफला होगा? बीच में नबियों के नबी, दाई तरफ सिद्दीकों के सिद्दीक और बाई तरफ फारूकों के फारूक। अच्छा जा रहे सफर में, तीनों के तीनों जा रहे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाई तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाई तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा सफर में जा रहे, जंगल का रास्ता है, सन्नाटा है, आवाज आई, बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो, उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। आवाज आई, अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा आवाज आई, हजरत अबू बकर उमर को देखे, उमर तुम बोले? उमर ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी सुना। हजरत उमर ने कहा आप बोले? हजरत अबू बकर ने कहा मैं भी कुछ नहीं बोला। मालूम नहीं कहाँ से आवाज आई होगी, चलो आगे चले। अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते जा रहे, हजरत अबू बकर उमर तीन कदम आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर नहीं, ये आवाज कहीं और से आ रही है। हजरत अबू बकर यूं आगे बढ़े, हजरत उमर यूं आगे बढ़े, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अल्लाह के रसूल ये आवाज आ रही है, पहले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमने नहीं कहा लेकिन ये आवाज हमने सुनी, अल्लाह के रसूल आपने भी सुनी। सुभान अल्लाह, बोलो। हमारे नबी मुस्कुराए, और जब हमारे नबी अचानक मुस्कुराते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में चौदहवीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर क्या फरमाया, ये बहुत बड़ी किताब है तफसीर रूहुल मानी अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें ये रिवायत मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया, फरमाया हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैह। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर तुम्हें नहीं मालूम, ये सामने जो पत्थर है, सामने जो पत्थर है ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूं। यानी हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? कपटिया वाले जरा जोर से बोलेंगे, कौन पहचान रहा है? एक बहुत बड़ा वाक्य है, मैं पूरे वाक्य पे नहीं जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया, बोलो कहां पर? सुन रहे हो ना आप लोग, दावत में बुलाया गया। अच्छा हमारे नबी तशरीफ फरमाए, खाना लग गया, अरे बोलो खाना, लेकिन सहाबाए किराम की आदत थी जब तक हमारे नबी खाना शुरू ना करे कोई सहाबी, यहाँ तो मौलाना को दावत दो, मौलाना के शुरू करने से पहले सामने वाले की आधी प्लेट खत्म हो जाती है। अब सारे सहाबा सन्नाटे में बैठे हैं, एक दावत है और दावत देने वाली एक यहूदी औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है, बोलो खाने में, बहुत सुनने जैसी बात है, खाने में जहर मिलाया है और खाना सामने रखा हुआ है। अच्छा सारे सहाबा किराम इंतजार कर रहे हैं कि नबी शुरू करे तो हम भी शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखना मेरा इशारा देखना, हमारे नबी ने यूं लुकमा उठाया, बोलो यूं लुकमा उठाया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर हमारे नबी के होठ और जबान से वो लुकमा लगा, जैसे होठ और जबान से लगा वो लुकमे के अंदर से आवाज आई, लाता कुल्ली या रसूल अल्लाह फइन्नी मस्मूम। ये सारे लोग जानते हैं ये हदीस को, लाता कुल्ली या रसूल अल्लाह फइन्नी मस्मूम। उस लुकमे में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है, मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है। हमारे नबी ने वो लुकमा जमीन पर रखा और सारे सहाबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाकया है, यहाँ उलमाए किराम ने एक सवाल उठाया है, बहुत दिलचस्प सवाल है, भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक से और जबान मुबारक से लगा तो वो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। सुभान अल्लाह, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल, अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान, वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चुमना चाहे।
अरे वो बेजान पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और कहे मैं नबी को पहचानता हूँ। अरे कपटिया वालों, एक बेजान पत्थर मोहम्मद को पहचाने, एक बेजान लुकमा हमारे नबी को पहचाने, हमसे बड़ा नालायक और गद्दार कौन होगा जो कलमा पढ़ते हुए भी नबी को नहीं पहचाने। बताओ कौन कौन मोहब्बत करता नबी से, अब हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हाँ और करते रहेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये का है दाढ़ी का है, यानी जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिनकी नहीं है वो हाथ का ऊपर करते, यानी क्यों हाथ क्यों ऊपर करते, यानी नबी को धोखा देना। मौना माफ करना, मैं साफ कहता हूँ, हम लोगों ने बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला, बोलो बोले कि नहीं बोले, कई मर्तबा हमने अपनी माँ को झूठ बोलकर माँ को धोखा दिया, कई मर्तबा हम गए कहाँ थे और बाप ने हमको पूछा तो हमने बाप को झूठ बोला, हमने हमारे टीचर को झूठ बोला, हमने हमारी बीवी को झूठ बोला, हमने हमारे बच्चों को झूठ बोला। अरे हम वो नालायक है जो मदीने वाले सरकार को झूठ बोलते, हम वो है जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं। दाढ़ी नहीं रखने का और हाथ ऊपर करने का, अभी हमारे बेटे जब कह रहे थे दोनों हाथ ऊपर करे, सबने दोनों हाथ ऊपर करे, क्या ये सोचा नहीं कि क्या इन हाथों से मैं मेरे नबी के दरबार में जाऊंगा। आपने सुन लिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो तेरा होगा तो मेरे प्यारो जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का कहां से होगा। और सच बताओ एक बात, ये अगर आप मेरे को जवाब दे देना फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आपने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हाँ, सुना कि नहीं सुना, क्योंकि उनके दौरे सफर में